अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रफी के जायकी में आप सभी को खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे तंगड़ी खट्टी मिट्टी। ये रहा हमारा तंगड़ी। तंगड़ी को हमने साफ करते हुए नहीं दिखाया है, इसके लिए यहाँ पे क्या है, तंगड़ी की स्किन के साथ मिलती है, लेस स्किन नहीं मिलता है, तो इसको हमने साफ कर दिया है। तो साफ करने के लिए कम से कम मेरे को इसको सफाई करके कटिंग करके कम से कम 2 घंटा लग गया है, तो वो हिसाब से हमने आपको नहीं दिखाया है। तो तंगड़ी नॉर्मली जिस तरह आता है उस तरह आप कटिंग करके और देख सकते हैं, मैं नजदीक से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, 3 चीरे हमने इधर से मारे और 3 ही चीरे हम इधर से मार देते हैं। तो सारी तंगड़ी को हमने खूब बढ़िया कटिंग करके और उसके बाद इसको हमने स्ट्रेन करके रख दिया है। तो ये करीब करीब 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही रखा था, जो पानी अच्छी तरह से निकल गया है और थोड़ा सा हमने नमक और विनेगर डाल के धो भी लिया है, ताकि जो उसका एक्स्ट्रा जो महक होता है वो निकल जाए। अब हम इसे मैरिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद में हम बनाएंगे मसाला। तो दोस्तों, ये तंगड़ी हमने जो इसके अंदर पलटा है, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है हमारे पास कि ज्यादा जब काम रहता है तो हम लोग इसी ट्रॉली के अंदर पूरा मैरिनेशन कर लेते हैं। नीचे इसका नल भी लगा हुआ है और जहां पर जाए इसमें लॉक सिस्टम है, तो क्या करते हैं, लॉक खोल देते हैं। ये देखिए, जहां दिल चाहे वहां हम लोग इसको लेके चले जाते हैं और सीधा ऐसे ही कोल्ड रूम में डाल देते हैं। इसमें मसाला डालना होता है तो नीचे हम इसका जो नल दिया है, कोक दिया गया है, उससे हम कोक के जरिए पानी निकाल देते हैं और फिर इसके अंदर ही हम मसाले बना के और लगा देते हैं। तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम होता है। करीब करीब मान लो सीजन में 500, 600, 700 गेस्ट पर डे रहते हैं, इस टाइम तो कम है। तो हम जब भी आपको दिखाते हैं तो अक्सर थोड़ा दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना, लड़ाई करने के बराबर है। हमारा बड़े में ज्यादा अंदाजा रहता है, क्योंकि कोई भी चीज हम ला बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी रहता है। तो मैरिनेशन हम कर लेते हैं। नमक हमने डाल दिया है, थोड़ा सा डाल देंगे हम काला नमक और इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी। वैसे आप चाहें तो हल्दी ना भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्दी बहुत काम करता है थोड़ा सा इसकी महक को निकाल देने में। और अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। तो दोस्तों, तंगड़ी हमारी है 50 किलो तंगड़ी है हमारा, करीब करीब 300 पीस है, क्योंकि तंगड़ी के साइज जो है बहुत बड़े है, हिसाब से करीब 150-200 ग्राम की एक तंगड़ी है। तो हमने डाल दिया ब्लैक पेपर और अब डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। अब डाल देंगे करीब 1/2 लीटर इसके अंदर सरसों का तेल। तो दोस्तों, आप कर देते हैं मैरिनेशन। करीब करीब हमने 200 ग्राम ब्लैक पेपर डाला और 200 ग्राम ही, वैसे ये ज्यादा का क्वांटिटी है, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम फर्स्ट मैरिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। मसाले हम बनाएंगे फिर बाद में। तो इसको खूब बढ़िया से मिक्स कर देंगे। हो गया हमारा मैरिनेशन, तो बना लेते हैं मसाला फटाफट। 50 किलो तंगड़ी का मसाला हमें बनाना है, वो हिसाब से करीब करीब हम ज्यादा ज्यादा 3 किलो लेंगे दही, अदरक लहसुन पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर करीब करीब 50 ग्राम, गरम मसाला 4 टेबल स्पून, 50 ग्राम धनिया हल्दी पाउडर, धनिया ठोक के करीब करीब 150 ग्राम धनिया डालेंगे, जीरा पाउडर भी डालेंगे करीब करीब 60 ग्राम जितना, और ये करीब करीब डाल देंगे 1 लीटर से ऊपर ऊपर। ये है हमारा इमली, हमने इमली का बीज निकाल के साफ करके थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, उसके बाद में छन्नी से छान के खाली उसका लिक्विड ले लिया है, बाकी कचरा फेंक दिया। ये आ गया गुड़, गुड़ है उसको भी लेंगे 1/4 किलो जैसा, और ये आ गया सरसों का तेल। तो तेल हमने 200 ग्राम डाल दिया है, तेल की मिर्च डाल देंगे करीब करीब 100 ग्राम ताकि कलर भी हो जाए बढ़िया। अब कर देते हैं मिक्स। वैसे इसके अंदर जो इमली डाला रहता है बहुत ज्यादा चमक नहीं आता है, काला कर देता है, लेकिन तंगड़ी में
भैया जान रहती है तंगड़ी खटकी मीठी। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। नमक थोड़ा कम है, नमक थोड़ा और डाल लेते हैं और बाकी अब ये मसाले हम रख देंगे। सुबह जब इसका पानी निकल जाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि नमक पड़ा है तो तंगड़ी पानी बहुत छोड़ेगा, तो वो जब रेडी हो जाएगा तब मसाला उसके अंदर हम डालेंगे। तब तक सब अलग अलग ये रख के छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये फिनिश हो गया है, हम रेफ कर देते हैं। तो डाल देते हैं अब हम कोल्ड रूम के अंदर। अब यही छोड़ देंगे। 13 घंटे के बाद हमने तंगड़ी निकाल दिया है और अब इसके अंदर हम मसाला मिला देते हैं। तो पानी हमने खोल दिया है, इसका पानी निकला करीब 1-2 लीटर जैसा पानी निकल गया। देख सकते हैं नीचे हमने को खोल दिया है पर डब्बे में पानी गिर रहा है। तो ऊपर हम मिला देते हैं मसाला और उससे पहले इसके अंदर मिला देंगे गलौटी। तो गलौटी कहते हैं एक्चुअली पपैया को, कच्चा पपैया को, लेकिन उसकी जगह हम डालेंगे पाइनएप्पल, क्योंकि पाइनएप्पल यहाँ मिलता है। बाकी जो पपैया का तो हिसाब किताब ऐसा है कि यहाँ पे आज तक हमने कभी देखा ही नहीं कि गल्फ के इराक के अंदर कहीं मिलता हो। तो इसको डाल देने से क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फटाफट गल जाएगा। हमने मसाले मिला देना है। तो दोस्तों हो गया है, चलते हैं किचन में। ये तो हमारा बुचर खाना है, कटिंग सेटिंग जो कुछ भी होता है वो यही होता है। अब हम डाल देते हैं ढक्कन में पकने के लिए। तो दोस्तों तंगड़ी हमने बना के रेडी कर दिया है। खट्टी मिट्टी तंगड़ी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।